बहू, तुम ठीक तो हो? यदि प्रायश्चित ढंग से पूरा ना करती तो ब्राह्मण भोज करके जाते क्या? अरे ब्राह्मणों के श्राप से पूरा घर चल नहीं गया होता हमारा। पर याद रहे, ये प्रायश्चित व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए। इसीलिए जिस तरह तुमने ये तावीज की बात अनिरुद्ध को नहीं बताई थी ना, ये दंड के बारे में भी जिक्र मत करना। इस बार माफ कर दिया है, पर हर गलती माफ होगी क्या? अरे मतलब अनिरुद्ध ने कहा कि तुम वो ये कपड़े पहन लो और तुमने पहन लिए। तुम्हारी अपनी अकल क्या घास चरने गई थी? आपने ही तो कहा था। मैंने कब कहा तुमसे ये कपड़े पहनने के लिए? पति के पीछे पीछे चलने को धर्म कहा था ना। जुबान इतनी चलती है तुम्हारी, दिमाग क्यों नहीं चलाती? पर आपने पहले तो दिमाग चलाने के लिए मना किया था ना। बस कुतर्क करा लो बस। माँ ने ये नहीं सिखाया कि जो सही ना लगे वो नहीं करना चाहिए? जो सही ना लगे नहीं करूं। काका ससुर जी, तो आप ये टोटके वाला ताबीज हटा दोगे? ये सही नहीं लगता है मुझे। बहुत दुखता है, घाव भी पड़ गया है। नहीं, कुतर्क की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? माँ ने बस तुम्हें यही सिखाया है, तर्क कुतर्क तर्क कुतर्क। कैसे समझाएं तुम्हें, बोलो। मैं तो बस 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 हमें 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 कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। कुछ नहीं समझा सकते, कुछ नहीं समझा सकते। देखो ना परी दीदी, सब गंडगोल हो गया। कोई बात नहीं, सब ठीक भी हो जाएगा। पर ऐसा क्यों होता है परी दीदी कि मुझे लगता है कि आप मदद करेंगी, मेरी बाहर निकाल लेंगी मुझे मेरी परेशानी से। सब उल्टा ही हो जाता है। गहरी नींद में होती हूँ ना, इसलिए पता नहीं चलता कि कब बिस्तर गीला हो जाता है। सिर्फ जितना बन सके उतनी मैं मदद करूंगी तुम्हारी। तब मैं गीले कंबल और चद्दर को धुलवाने डाल देती हूँ। उन्हें तो बाहर फेंक दिया पीछे वाली खिड़की से। ये तुमने क्या किया बोंदिता? अब सबको पता चल जाएगा। अरे घर का कोना कोना शुद्ध करो। अनिरुद्ध की जिंदगी से मैं हर हाल में मुझे बाहर भेज। कठोर दंड भोगना पड़ेगा इसे। सच में हर बात में प्रश्न ढूंढ लेती है ये, पर प्रश्न ढूंढते ढूंढते उसका उत्तर भी ना ढूंढ ले। सावधान रहना होगा मुझे कि बोंदिता को संदेह ना हो मुझ पर। सब कोयली की गलती है। ना ही वो गरम गरम दाल तुम उसके हाथ पर डालती और ना ही बोंदिता के लड़के होने का राज सबके सामने आता। मुझे तो धक्का लग गया। धक्का लगा यार, जानबूझकर किया। जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या क्या चलता रहता। मैं तो कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये सब छोड़ो और ये सब लेकर जाओ। ये सच में कोयली दीदी ने गिराई थी दाल? हाँ, कुड़ती जो है तुमसे। जब कोई प्यार से किसी के लिए कोई चीज लाए और सामने वाला उसे फेंक दे, कितनी तकलीफ होती है, पता चला? ये बिराज माँ सुरमणि माँ के बक्से से चोरी क्यों कर रही है? ये क्या कर रही है आप? इतना लालची होना शोभा देता है क्या आपको? कैसी औरत है आप? सुरमणि सासू माँ ने आपको बहन का सम्मान दिया, आपके बेटे को संभाला, उसे माँ का प्यार दिया और आप उन्हीं का सामान चुरा रही है? धीरे बोलो, अगर तुम्हारी सुरमनी सासू माँ ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ा हंगामा करेगी। सुरमनी सासू माँ को तो पता चलना ही चाहिए कि उनके पीठ पीछे आप क्या कर रहे हो। भी जाके बता बहू क्या कर रही है तुम। उठ उठ, सार को पहचानती हो ना तुम? छोड़ो अपने अपवित्र हाथों से हमें छूने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जानती नहीं हो तुम जिस भी चीज को छुओगी वो अशुद्ध हो जाएगी। अभी खुद भी अशुद्ध हो और हमें भी अशुद्ध कर दिया। आपका हाथ ना पकड़ती तो गिर जाते आप पानी में, चोट लग जाती आपको। अरे गिर जाते तो गिर जाते, चोट लगती तो लग जाती, मरते तो मर जाते, मंजूर था हमें। पर तुमने हमें छुआ क्यों? जानती नहीं तुम्हारा छुआ अशुद्ध होकर पाप का भागीदार बन जाएगा। काका मैं बात करता हूँ। क्या? तुम क्या बात करोगे? हाँ? और झूठ सुनना है तुम्हें? खुद सिखा के नहीं भेजा तुम्हारी माँ ने तुम्हें। हाँ? अपना बोझा हमारे सिर पे मर दिया बस। धोखा किया है तुम्हें भेज के। मेरी माँ को कुछ ना कहिए काका ससुर, उसकी क्या गलती है? आप तो मिले हैं मेरे बासपति बाबू, जानते हैं ना उसे? बताइए ना इनको कि वो कितनी अच्छी हैं। कहा था ना आपने कि किसी के साथ धोखा नहीं करती माँ। सब गलती मेरी है, जो दंड देना दीजिए मुझे। पर मेरी माँ को बुरा कहकर गुस्सा कम हो जाएगा क्या आपका? अशुद्ध से शुद्ध हो जाऊंगी क्या मैं? बुरी हो सकती हूँ काका ससुर, पर मेरी माँ बुरी नहीं है, कभी भी नहीं। मेरी माँ बुरी नहीं है काका ससुर। मालिक अब क्या? तुम क्या लेके आए हो? वो मालिक हम कैसे बोलें? बोलने की हिम्मत नहीं हो रही हमारी। इसे देखकर बैरिस्टर बाबू गुस्से से ज्वालामुखी की तरह कहीं फट न पड़े। ये तो तुम्हारी बैरिस्ट्री का सर्टिफिकेट है ना अनिरुद्ध? खैर अब इसका क्या फायदा है तुम्हें? बैरिस्ट्री तो करनी नहीं है लंदन में।